दोस्तों, मैं जीशान आड़ी पर आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड डीएलएड का जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2022 सेशन के लिए, उसका फाइनल एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जी हाँ, तो वो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ पर आपका एग्जाम होगा, कहाँ पर और कितना बजे से कौन सी सीटिंग में, वो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। मैं आपके लिए हर न्यू अपडेट सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लाता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको किसी भी तरह की जानकारी से आप महफूज ना रह पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके फाइनल एडमिट कार्ड आ चुका है और वो भी जान सके किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे, किस तरह वो सेंटर कहाँ पे है, पूरी चीज़ हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको आ जाना है बिहार बोर्ड vvd.com की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड एडमिट कार्ड डिले, ठीक है, ये जो है इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कि न्यू टैब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चर जो है इसको इसमें फिलअप करना है। एप्लीकेशन नंबर कौन है, जब आप अप्लाई किया तो इस तरह का मिला होगा रसीद, यहाँ ये एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, ये एप्लीकेशन नंबर DLEAD करके एप्लीकेशन नंबर देंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कैलेंडर आपके पास आ जाएगा, आप कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये कैप्चर, जिस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। कैप्चर को फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये अभी तुरंत मतलब कि एडमिट कार्ड अपडेट हुआ है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको एक बार रीसेट करते हैं, मतलब कि रीलोड करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट अपलोड हुआ एडमिट कार्ड, इसलिए साइट काम नहीं कर रही है। हम फिर से यहाँ पे रीलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एडमिट कार्ड आ चुका है, वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, रीलोड करना एक दो बार, उसके बाद वेबसाइट आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे रोल नंबर आपको मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर, पूरा डिटेल आपकी मिलेगा, यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट मिल जाएगी, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन कोड यहाँ पे दिया गया है, और एग्जाम डेट यहाँ पे दिया गया 28 मार्च को, और समय भी दिया गया 10 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है। और इसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। यही हो गया इनका एडमिट कार्ड, ये अभी सही से शायद नहीं काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह शो नहीं कर रहा है। इसको आप फिर से ट्राई कीजिएगा, ये आपका एडमिट कार्ड फ्रेश निकल जाएगा। इसी तरह आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, और ये आपका जहाँ एग्जाम देना वो एग्जामिनेशन सेंटर है, और डेट है और समय आपको यहाँ पे दिया गया है। इस एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर करा के ये लेकर जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे 28 मार्च को। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, जिसमें आप जान पाए किस तरह अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, अपना सेंटर जान सकते हैं, समय और डेट वगैरह सभी सारा चीज जान सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।